हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम सीखेंगे हारमोनियम के जो बनावट है, हारमोनियम का जो स्वर है, इसमें जो स्वर क्रमानुसार बिठाए गए हैं उसको कैसे बैठाए गए हैं। आज का वीडियो आप पूरा देखें। आज की वीडियो में आपका हारमोनियम का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें स्वर को कैसे क्रम के अनुसार बैठाए गए हैं। आज पूरा देख लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, ये तीनों सप्तक के स्वर आपके समझ में आ जाएंगे और एक बार समझ लेंगे तो पूरी जिंदगी में फिर कभी भूल नहीं पाएंगे और उसके बाद कोई भी गाना आसानी से बजा सकते हैं बाद में। आइए, ठीक है, पहले हम समझते हैं तीनों सप्तकों के। तीन सप्तक होते हैं किसी भी साज में, ठीक है। तो सबसे पहला होता है मंद्र सप्तक, ठीक है। हम यहां लिखेंगे मंद्र सप्तक, लिख के समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगी। सबसे पहला होता है मंद्र सप्तक, दूसरा होता है मध्य सप्तक, ठीक है। मध्य सप्तक ये बीच का सप्तक होता है और तीसरा होता है तार सप्तक। यहां पर हम लिखेंगे तार सप्तक, ठीक है। तार सप्तक मतलब सबसे ऊपर वाला सप्तक। अब देखिए कि मंद्र सप्तक के स्वरों का बनावट कैसे होता है, इसको हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। कैसे पहचान में आएगा कि मंद्र सप्तक का स्वर है? तो सात स्वर हैं और कोमल तीव्र स्वर मिला के 12 स्वर होते हैं। तो 12 स्वरों को पहले हम क्रमानुसार मंद्र सप्तक का लिखेंगे। मंद्र सप्तक का अलग, मध्य सप्तक का अलग और तार सप्तक का अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर हमारा हो गया सा, आपको दिखाई दे रहा होगा। सा के बाद रे, ये कोमल रे है, कोमल रे का चिन्ह होता है नीचे पड़ी रेखा होती है, सा रे। उसके बाद फिर शुद्ध रे, ठीक है। फिर आता है ग, ये कोमल ग हो गया, कोमल ग के नीचे पड़ी रेखा रहेगी। फिर होगा शुद्ध ग, ठीक है। उसके बाद होगा म, ठीक है, शुद्ध म। उसके बाद होगा तीव्र म, तीव्र म के ऊपर खड़ी रेखा होती है, ठीक है। उसके बाद होगा प, उसके बाद होगा कोमल ध, कोमल ध के नीचे पड़ी रेखा। उसके बाद होगा शुद्ध ध, ठीक होगा। उसके बाद है कोमल नी, इसके नीचे पड़ी रेखा। फिर होगा शुद्ध नी। आप देखेंगे 12 स्वर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। आप इसको क्रम बैठा भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। फिर यहां से शुरू हो जाता है मध्य सप्तक का स्वर। फिर यहां पर आएगा सा, फिर रे और फिर ये शुद्ध रे, ठीक है। ये कोमल रे है, ये शुद्ध रे है। अब मंद्र सप्तक में कैसे समझेंगे? मंद्र सप्तक के नीचे बिंदु होता है, सभी स्वर के नीचे यहां पर एक बिंदु रहेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा कि मंद्र सप्तक का स्वर है, सभी स्वरों के नीचे एक बिंदी दे दी जाती है ताकि पता चले कि ये मंद्र सप्तक का स्वर है, ठीक है। ये मध्य सप्तक का स्वर हो गया सा, कोमल रे, शुद्ध रे। उसके बाद आएगा फिर कोमल ग, फिर आएगा शुद्ध ग, फिर म, शुद्ध म, फिर उसके बाद तीव्र म, उसके बाद प, उसके बाद कोमल ध, फिर शुद्ध ध, फिर कोमल नी, उसके नीचे पड़ी रेखा रहेगी, फिर शुद्ध नी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मध्य सप्तक के स्वरों में कोई चिन्ह नहीं होता, न ऊपर न नीचे, ठीक है। फिर यहां से तार सप्तक शुरू हो जाएगा, इसमें भी 12 स्वर हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। फिर यहां शुरू हो जाएगा अब तार सप्तक का स्वर। तो तार सप्तक का स्वर फिर सा। तार सप्तक को कैसे समझेंगे? स्वर के ऊपर बिंदी रहती है, स्वर के ऊपर, ये तार सप्तक का हो गया सा। फिर होगा रे, रे के ऊपर भी बिंदी होगा, ये कोमल रे हो गया, ठीक है। ये शुद्ध रे होगा, इस पर भी ऊपर बिंदी रहेगा। ग, कोमल ग, इसके ऊपर भी बिंदी रहेगा। फिर आएगा शुद्ध ग, इसके ऊपर भी बिंदी रहेगा। फिर आएगा शुद्ध म, बिंदी। उसके बाद आएगा तीव्र म, बिंदी। उसके बाद आएगा प, उसके बाद कोमल ध, ठीक है। उसके बाद शुद्ध ध, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी, ठीक है। यहां भी हम क्रम लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे तीनों सप्तक के स्वर आ गए। ठीक इसी तरह क्रमानुसार हमारे हारमोनियम में भी स्वर बनाए हुए होते हैं। इस मंद सप्तक में सा से शुरू होगा, सा, उसके बाद कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, शुद्ध म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध, कोमल नि, शुद्ध नि। फिर मध्य सप्तक शुरू हो जाएगा, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, ये मध्य सप्तक हो गया। ठीक इसी तरह उसके बाद फिर तार सप्तक शुरू हो, ठीक इसी तरह आपके इसमें स्वर रहते हैं। इसको आप देख सकते हैं हारमोनियम में भी, ठीक है। इसको हारमोनियम में देखने के लिए मान लो कि यहाँ सा है तो मंद सप्तक का पहली काली ये हो गया, इसको हम मंद सप्तक की पहली काली मानेंगे। और यहां से यहां तक ही हमारे बारह स्वर जाएंगे, ठीक है। यहां से तो आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यानी यहां से यहां तक हमारा मंद सप्तक होगा। जो हम यहां से यहां तक लिखे गए हैं वो स्वर हमारा यहां से यहां तक है, ठीक है। और यहां से फिर हमारा मध्य सप्तक शुरू हो जाता है, ये पहली काली से हमारा मध्य सप्तक शुरू हो जाता है। तो पहली काली से मध्य सप्तक शुरू हो गया तो फिर यहां से शुरू हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो फिर यहां से बारह, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है। और फिर ये पहली काली आ जाएगा, ये तार सप्तक का हो गया, पहली काली तार सप्तक शुरू हो गया यानी यहां से शुरू हो गया। फिर यहां से करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहां तक, ठीक है। अब एक सवाल आता है इसमें कि इसके यहां तक अगर खत्म हो गया तो इसके बाद जो स्वर है वो कौन से स्वर बोले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे हारमोनियम में देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा स्वर देखे जाते हैं, इसमें तीन चार हैं लेकिन और बहुत ज्यादा स्वर देखे जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे। और मंद सप्तक के नीचे जो स्वर कुछ होते हैं उसको क्या बोलेंगे। तो इसको तार सप्तक में ही बोला जाएगा, लेकिन तार सप्तक से जो ऊपर होगा ज्यादा उसको अतितार बोलते हैं, ठीक है, अतितार सप्तक। और मंद सप्तक से जो नीचे होंगे उसको अति मंद सप्तक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि मध्य सप्तक से जो गाना शुरू होता है तो बहुत सारे लोग तार सप्तक के पंचम तक या धीवर तक यानी प तक या ध तक आते हैं, और मंद सप्तक में भी प तक, म तक या ग तक लोग आते हैं। यानी हम जो गाना गाते हैं उसमें जितने भी सिंगर लगभग लोग गाना गाते हैं, कितना भी हाई रेंज हो, उनका अधिक से अधिक, अधिक से अधिक यहाँ तार सप्तक के पंचम तक, धीवर तक जाता है, ठीक है, ठीक है। और मंद सप्तक में भी मध्यम तक या गंधार तक यानी म तक या ग तक लोग आते हैं। तो लगभग इतने स्वरों का हमें अभ्यास करना होता है। मध्य सप्तक में पूरा बारहों स्वर, ठीक है, और तार सप्तक में आठ स्वर लगभग, और मंद सप्तक में भी लगभग सात आठ स्वरों का अगर अभ्यास हम कर लेते हैं अच्छे ढंग से तो हम कुछ भी गाना अच्छे से गा सकते हैं या बजा सकते हैं। बजाने के लिए तो सबका अभ्यास करना होता है, ठीक है, तो हम सभी सप्तकों में, ठीक है। लेकिन जहां तक गाने का सवाल है, गाने का रेंज है, तो उसमें हमको इतना अभ्यास करना होता है। तो अब एक सवाल उठता है कि आप अपना सा किसे मानते हैं। हमने जो सा माना है इसमें, जो आपको हमने समझाया है, वो पहली काली को हमने सा मान करके समझाया है। अब आप इस हारमोनियम में से किसी भी स्वर को आप सा मान लेंगे तो यही क्रम आपको लगाना है, आपका ये पूरा चीज निकल के बाहर आ जाएगा। अगर इस स्वर को भी आप सा मान लेते हैं तो यहां से 12 स्वर गनेंगे, आपका मध्य सप्तक हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे से आप 12 स्वर गनेंगे तो आपका मंद सप्तक हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। यानी इस स्वर को अगर आप सा मान ले रहे हैं मध्य सप्तक का, और इसके आगे 12 स्वर आप गिनती कर लेंगे, आपका मध्य सप्तक निकल गया, ठीक है। यहां से गिनती कर लेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो यहां से यहां तक आपका मध्य सप्तक हो गया। इसके बाद आपका तार सप्तक शुरू हो जाएगा, इसके बाद यहां से तार सप्तक शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अपने मध्य सप्तक माना है तो यहां से आपका मंद सप्तक शुरू हो जाएगा। नीचे कहीं से भी आप सामान करके आप अपना स्वर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब आप तीनों सप्तक बखूबी समझ गए होंगे, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इसी तरह किसी भी साज में, दुनिया के किसी भी साज में, चाहे आप कैसियो बजा रहे हो, बैंजू बजा रहे हो, हारमोनियम बजा रहे हो, गिटार बजा रहे हो, सितार बजा रहे हो, कोई भी साज बजा रहे हो, इसी तरह के स्वर उसमें क्रमानुसार बैठाए होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप देखें और इसको आप नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लें और उसके बाद अभ्यास करें इसमें बिलावल थाट का, खमाज का, पूर्वी का,
भैरव का, भैरवी का, सभी थाटों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, थाट का मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर हमको ये दिक्कत है, यहाँ पर हमारी बात समझ में नहीं आ रही है हमको, उसको आप बताएं, तो मैं उसको पूरा कोशिश करूंगा आपको कि जल्द से जल्द वो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक बार कमेंट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की संगीत से जुड़ी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।